अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और मौसम देखें, ठंडा गर्म सर्द ये वो, सुबह होर मौसम होंगे, दोपहर में कोई होर मौसम होंगे, बाद कोई होर मौसम होंगे। मौसम के बड़े नाम ने, बड़े निशानियां ने, मौसम बदलता ही रहा वे। तुसी भी कहते हो बाजी, तुसी गल्ला बात जी ना अपनी, तुसी सड़ी रोटी का जिक्र ही नहीं किया। ये ना मैंने लुकमान के लिए बनाया था नाश्ता, वो उन्हीं गया था तो मुझे फ़ोन आया कि मामा मुझे ना मेरा नाश्ता बना दे, तो मेरा भी दिल किया। तो मैंने छोटी सी ना गुल्ली नहीं कहते पाकिस्तान की, तो उसी छोटे बच्चे लिए गुल्ली बनानी, मैंने अपने लिए आज गुल्ली बनाई। और मैं ना मोबाइल लेने गई हूँ तो वो आती उसके बेचारे के ना ऐसे काले फूल पे ने ना, अच्छा मेरे मियाँ ना काली जो रोटी हो जाती सड़ जाती वो नहीं खाने देते ना, तो वो सोए हुए थे। मैं कहा चल मुझे बड़ी पसंद है, मुझे ऐसे ना खस्ता खस्ता लगती, मुझे बड़ी पसंद है ज़ाती तौर पर। तो वो जब हो तो वो नहीं खाने देते, वो उतार देते हैं, कहते हैं किसके साथ ना कैंसर होता है। उन्होंने भी कहीं सुना है, मुझे नहीं पता रियल है नहीं है सच क्या है, लेकिन वो खाने नहीं देते। तो आज मैंने डंडी मार के ना, बहरहाल मैंने फिर भी ना ये जो छोटे छोटे फूल है ना मैंने साइड पे कर दी। मैंने कहा मेरी गुल्ली गुल्ली इतने चाव से बनाई तो मैं आके मैं, बनाती। मैंने सोचा था ये जो मैं लेके आई ना मेथी, इन मैं कराँगी फ्रीज ताकि मैं ना ये पराठे वगैरह बनावाँगी या मिक्सर भी बना उसके अंदर डालूंगी ना, लेकिन मैंने ना ये कटते इन्नी मज़ेदार खुशबू लगी। मैं कहा अज तो आलू मेथी बनेगी, काम तो बड़ा है इसका, मोटे थक जाते नहीं कुछ, इन साफ सुथरा कर दे। यहाँ पे चिकन जो है ना मैं लेके आई थी उस दिन पाकिस्तानी दुकान से ना, उन्होंने काट कूट के साफ सुथरा करके ना फ्रीज किए थे पैकेट बना के, वो मैंने ना इसको रखा है मेल्ट होने के लिए। यहाँ पे आलू की कटिंग हो रही है ताकि मैं मेथी के अंदर डालूँ, तो आलू देखो बुढ़े हो जाते हैं फटाफट, तो तीन चार रह गए थे। मैंने कहना तो कम नबेड़ होना, पानी नहीं डाला मेथी के, मैंने मसाला बना के रखना वो मैंने डाल दिया, एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं डाला, बस नमक मिर्च हल्दी डाली है और इसको मैंने ऊपर चढ़ा दिया। थोड़ा सा पानी डालूंगी जब मैं आलू डालूंगी ना, फिर जब ड्राई होगा फिर भूनूंगी, तो अभी तो मेथी ने खुद ही अपना पानी छोड़ा हुआ है ना। चले जी ये हो गई, अब मैं डालूंगी इसके अंदर आलू, आलू के अंदर देखूंगी पानी की ज़रूरत है कि नहीं, अभी इसको पकने देती हूँ, फिर मेरे च पावांगी ऑयल, अभी नहीं ठीक है। अच्छा ये जो है ना ये मैं पुलाव बनाऊंगी, मैं अगर दसिया ही नहीं पुलाव बनाऊंगी क्योंकि सब्जी तो तुम्हें पता है, वैसे मैं अपने लिए बनाई है, बच्चों ने खाने को नहीं कोई नहीं, दाल पड़ी हुई है तो वो दूंगी, चावल जो वो आफिया खान खा लेते उनके लिए बनाऊंगी, विशाल का अपने अलग ही चलता है, उसका मैं कुछ नहीं बनाती बनूती। चलो आज का मेन्यू तो होगा डन, तो फिर देने बाकी के काम करने हैं वो करिए। मैं आलू मेथी बना रही थी साथ में, इन्नी सुबह दी वो खाई थी मैंने छोटी सी रोटी ना, वो भी मैंने हाफ हाफ छोड़ ही दी थी। मैंने कहा नहीं सड़ी सड़ी खाऊँ, एवं कुछ सच सच्ची गाली ना निकल आवे, अल्लाह रहम करे। तो मैंने ना सेब काट ली, मैंने कहा चलो साथ साथ ये भी खाती जाती हूँ, साथ में हांडी बना लूँ ना। तो खाना खाने के बाद ना तो फ्लेम को मिशाल जो है ना उसका आज स्कूल लेट था, वो जब भी चाय बनाती है ना पता नहीं वो दूध ज्यादा दूध वाली ज़्यादा बनाती है ना, वो मुझे लगता है दूध ज़्यादा डालती है, जितना मर्जी हल्का रखती है ना तो उसके लिए चाय उबल जाती है। हालांकि उसको ना मैंने ये बोला कि चाय और दूध ये नहीं उबलनी चाहिए, मेरे अब्बू कहते थे तो दूध तो बिल्कुल नहीं उबालना चाहिए, चूल्हियाँ का जरा डेगता ना उनको बिल्कुल नहीं पसंद था, जैसे दूध रखते थे ना पता नहीं क्यों जैन जी नज़र इधर जाने ना दूध उबल के तह आ जाता, जिन्ना मर्जी तुम कोख लोते रहो उदू कुछ नहीं होंगे, लेकिन जो तुम नज़र इंज करनी है दूध उबल के तह, तो उस वजह से ना वो कहते हैं दूध नहीं उबलना चाहिए। आज का काम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, कपड़े वाश करके कल रखे थे, इनको सुखाती और सुखाती कहीं ठप के तो ये रखनी है, तो सोफिया ना ईद उत्ते कवर मैं उतार दीते सर, मैं कहा जरा ईद ईद लगे ना, तो अब इनके ऊपर दोबारा वापस चढ़ाऊंगी, पता नहीं क्यों मुझे इतनी उलझन शुरू हो जाती ना कुछ दिन लंघते ने सोफे उत्ते कवर ना हो, मुझे लगता हाए बहुत टेंशन रहती है, बच्चे यूज करन ना एवं झिड़का मारती रहनी, मौसम वेखने बार कहो जहा आए, मौसम तो बड़ा ही मज़ेदार है अज। मैं हूँ कल तू ना वाक करनी शुरू कर छड़ी है दो टाइम, पहले मैं जानी सर रात को बस, तो कल मैं तेरा शेयर नहीं किया, कल मैं बहुत लंबा चल के आई, मैं हूँ ना थोड़ी थोड़ी रवानगी फड़िए, फिर ना मौसम थोड़ा जहा तो चेंज हो ही रहा है, असं वाक कर निकलेंगे तो हो सकता मौसम थोड़ा गुस्सा आए तो वापस शुरू हो जाए। ठंड है अभी ये देखे, ठंड है नहीं कि ठंड जाती, चले कोई नहीं काम स्टार्ट करिए ना, काम भी तो करने ने, टाइम वेखो 11:30 हो गए ने, तो मैं हजे ना कपड़े तय के करने ने ये रखनी आ, तो चाह पी के मैंने ये पी है चाय पी के केक रस, केक रस के बारे में पूछ रहे थे सारे, ये ना पाकिस्तानी दुकान से लेके आती हूँ मैं सच्ची, कल मैंने रसगुल्ले की स्टोरी लगाई ना कहते आप बनाने, मैं क्या मैं एडी नहीं, ये जलेबी भी ये देखिए जलेबी और ये
ये बाकी सारी दुकान से लेके आती हूँ जब जाते हैं हम। तो हूँ खाना पकाने का भी मज़ा आएगा ना, किचन आपका साफ हो ना तो खाना पकाने का भी मज़ा आता है। इसको मैं रखती हूँ फ्रिज में, दूध को मैंने हम तय दूध ना हम ख़राब हो जाए ना। चले कपड़े तय करने हैं, याद आया मैंने कहा कपड़े तय करने तो पहले मैं ऐ बहा ये देखे मुझे कल ना मैंने दिखाई थी वैसे जो रोजमन से लेके तब मैंने दिखाया था, नज़र आ रहा है ये लोरियाल का ये इसका नाम है और ये लिखा होता है ऊपर। ये आपको डीएम से भी मिल जाता है, रोजमन से मिल जाता है और ऑनलाइन भी आप जहाँ से मर्जी ले सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा ही अच्छा सीर है, मैंने कल बोला था ना मुझे थोड़ा चुभता है, तो चुभने के बाद ना एक दो सेकंड फिर बड़ा ही अच्छा उसका ना जैसे होता है ना टाइटनिंग सी आ जाती है वैसे वाला इसका रिजल्ट है। तो मैं लगा रही उसका, मैं अभी दिखाती खोल के कैसा इसका पाइप होता है। ये देखें ये निकल गया, ये देखें इसका कितना अच्छा, ये ना ऐसे रिंग्स गोल से ना बॉल बने अंदर जैसे आई बॉल होते ना वैसे ये भी बॉल है, और आपने ऊपर आके नीचे इधर उधर करके आपने लगाना है, बड़ा ही मज़ा आता है ठंडा ठंडा जब आपको लगता है ना आँख पे, बड़ा ही मज़ा आता है। तो ये आप ले और मुझे बताना कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है, ये इसका नाम है। चलें जी, दोपहर का भी सार सुर गया, सुबह का भी सार सुर लिया। तो मैंने सुबह का चिकन आपको दिखाया था, रखा हुआ था मैंने ना अंदर उसके मेल्ट होने के लिए। मैंने कहा आज ना चिकन पुलाव बनाऊंगी। शाह आफिया को बड़ा ही पसंद है, वो कहती होती किसी के जब हम घर जाते हैं ना वो वाला जो बनाते हैं ना चावल वो बनाए, उसने अपना अपनी तरफ से एक सिलेक्ट करके रख लिया नाम ना कि जो किसी के घर जाते ना तुम तो चिकन पुलाव बनाते ने वो वाले चावल बनाए। आप लोग भी बताना मेरे घर में ना बच्चों के जो हमारे देसी नाम होते हैं ना किसी चीज़ का खाने का बना, कोई भी हमारा खाना होता है जो पाकिस्तानी खाना होता है पाकिस्तानी फूड होता है उनके ना उन्होंने अंग्रेज़ी में नाम रखे हैं या किसी शख्स का नाम जोड़ दिया है। किसी के जैसे अगर मैंने नूडल बनाने हैं वो भाई वाले नूडल अलग हैं, बाजी वाले नूडल अलग है। छोटे बच्चों की बात करें उन्होंने अपनी एक ना एक नाम रखे ने हर चीज़ दे, तो मैनू सिर्फ मैनू वह पता है। कहीं भी जाते हैं ना बच्चे कोई कहते हैं ना मामा वो वाली चीज़ है, तो वो जहाँ जाते वो पूछते कि कहता है, तो मैं कहती इसकी किसी को समझ नहीं आनी सिर्फ मुझे समझ आनी है। तो ये बात होती है अपने बच्चों की ना माँ ही बात समझ सकती है कि कहड़ी चीज़ का कहड़ा बच्चे ने नाम रखा होंगे। तो ये ना छोटी छोटी चीज़ा जो बड़ा हादसा आता जब लुकमान छोटा था ना मेरा बेटा तो वो ना टाफियों को ये चॉकलेट वगैरह को ना बो भाई कहता था, खुद से उसने नाम रखा हुआ था जब पाकिस्तान में होता था। अभी हम उसको अभी तक वो याद है ना, तो जब भी बात करते हैं तो वो याद करते हैं। तो ऐसे ही आफिया फान अभी छोटे छोटे नाम रखे हुए, तो जब बड़े होना है मैंने इनको बताना है फिर इन्होंने अच्छा हम ये कहते थे। ये बड़ी मज़ेदार वाली चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए। चलो जी मैं वापस फोन सुन के आ गई हूँ, तुम वेख ली होनी फोन की बैल बल्कि सुन ली होनी वेख नहीं ली होनी मैं, मेरी बहन का फोन आ गया था, उसने कपड़े लेने होते हैं और मुझे वक्त डाल देती है कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ। एक तो सूटा नहीं ना कस्यापा हर पास गर्मियाँ आती हैं ना और काम स्टार्ट हो जाता है, तो उसका मुझे मैसेज आ रहा था ये मैंने सूट भेजे और मुझे इसके दिखाएं बताएं मैं कहड़ा लवा के कहड़ा ना लवा। खैर अभी ना मैं चिकन पुलाव बना, चिकन के आज मैंने यखनी बना कर रख ली थी मैंने सुबह ही, तो उसकी मैंने यखनी अलग कर ली चिकन अलग कर ले। तो जैसे नॉर्मल पुलाव बनाती है वैसे सिर्फ इसमें मैं बिरयानी मसाला एक्स्ट्रा डालती जो मुझे बड़ा ही पसंद है, उसके बकाए मेरे ना चावल बनते नहीं है। तुम्हें पता है तुम कह दें बाजी तुम बिरयानी की मत मार दें मसाला पा के, मैं डालती हूँ आपने डालना डाले नहीं डालना तो ताकि मर्जी, मैं फोर्स नहीं कर दी लेकिन मैं डालती हूँ। तो ये चावल जो है ना ये सवेरा चावल है, तो सवेरा वर्गे बन देने खिले खिले, तो अभी ना ये दम पे जाने लगे, इसको मैं दम दूंगी तकरीबन 12 से 13 मिनट, इतना पानी के मैं अंदर दम दे देती हूँ, मैं बिल्कुल निचोड़ के मैं दम नहीं देती, इतने में ही मैं दम दे देती हूँ और मैं फिर ज़्यादा टाइम लगा देती ना, जैसे 12 से 13 मिनट मैंने दम लगाया। अभी रोजिए देखिए इसकी कलर थोड़ा सा मुझे लगा कलर डार्क नहीं हुआ, लेकिन फिर जब मैंने प्लेट में डाला ना मिक्स करके मैं कहा नहीं नहीं इन्ना क ठीक है। तो ये देखें जी चावल मेरे अगे डन, तो इतने मैनू तो सुधवो इजाजत, इंशाल्लाह कल वापस आऊँगी, दुआ में याद रखिए कल तक लिए अल्लाह।